गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपके क्लास फर्स्ट की साइंस है और उस दिन डे वन में हमने यहाँ तक बुक रीडिंग और मीनिंग मैंने समझा दिया था। तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिस जोन। सब लोग अपनी नोट्स खोल लेंगे जो स्कूल से लेके गए हैं। राइट टी फॉर द ट्रू एंड स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर द फॉल्स। ये देखिए आपकी बुक में, देखिए आंसर के साथ आपके जो ये एक्सरसाइज होंगे वो होंगे, तो उन्हें देखते चलिए। आवर सराउंडिंग्स आर द थिंग्स अराउंड अस, इसको टी लिखेंगे, ट्रू है ये कि हमारे जो आसपास का जो एरिया होता है उसे कहते हैं। आवर सराउंडिंग आर द थिंग्स अराउंड अस, हमारे चार तरफ जो चीज़ें होती हैं वो हमारा सराउंडिंग बनाती हैं, ठीक है। वैसे ही वी शुड कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन, हमें अपना जो पर्यावरण होता है या एनवायरमेंट होता है उसे साफ रखना चाहिए, उसे ट्रू करेंगे। उसी तरह से ऐसी दो ये भी है। उसके बाद ये मैच दी फॉलोइंग अपने आप नोट्स में देख सकते हैं। डस्टबिन का वेस्ट होगा और वैसे ही एरिया अराउंड यू सराउंडिंग्स होगा, उसी तरह से ये भी मैच करेंगे। नेक्स्ट पेज में चलेंगे, नोट्स अपनी देखते रहेंगे, उसमें आंसर के साथ आपकी पूरी बुक एक्सरसाइज जो है दिए गए हैं, फिलअप किए गए हैं। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस टेक द करेक्ट एक्शन, तो यहाँ पर जो एक्शन दिया है उसे टिक करना है आपको। थ्रो लिटर इन द डस्टबिन, प्लक फ्लावर्स फ्रॉम प्लांट्स क्रॉस कर देंगे, कट ट्रीज क्रॉस कर देंगे, प्लांट मोर ट्रीज करेक्ट करेंगे, टीजिंग एनिमल्स क्रॉस कर देंगे, वाटर द प्लांट्स ट्रू करेंगे, टिक करेंगे। राइट नेक्स्ट है राइट टू एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सराउंडिंग्स, तो ये आपके देखिए नोट्स में दिया गया होगा ज़्यादा अच्छे से। एट योर हाउस, इन द मार्केट, इन योर क्लासरूम, इन द पार्क, ऑन द रोड, इसका मतलब ये है कि दो चीज़ें आपको लिखनी है जो आपके एट योर हाउस, आपके घर में क्या है, इन द मार्केट, आपके आसपास कैसा कौन सी चीज़ें हैं या कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द एरिया अराउंड योर कॉल्ड, व्हाट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी, कि हम किस तरह से हेल्दी रह सकते हैं। शुड योर सराउंडिंग्स बी क्लीन और डर्टी, क्या तुम्हारा जो सराउंडिंग या पर्यावरण है उसे डर्टी या साफ रहना चाहिए। इसी तरह से सारे एक्सरसाइज हमारे ख़त्म हो जा रहे हैं, तो अपने नोट्स को अच्छे से देख लीजिए, उसमें वर्ड मीनिंग दी गई है वो भी अच्छे से एक बार रफ कॉपी में लिख लेंगे, उसके बाद उसे लर्न करेंगे। बाकी एक्सरसाइजेस भी आप अच्छे से देख के पढ़ कर समझ लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। तो SW आपका यही है कि रफ कॉपी में नोट से देख के वर्ड मीनिंग लिखें और उसके बाद ये सारे एक्सरसाइज आप अच्छे से रीड करें, पढ़ें, याद करें। ओके, थैंक यू।